अस्सलाम वालेकुम, एमयू टीवी से मैं हूँ एमन इमरान। आज हम गवर्नमेंट एमयू ग्रेजुएट कॉलेज के आईटी डिपार्टमेंट में मौजूद हैं, जहाँ पे ई स्पोर्ट की कंपटीशन रखा गया जिसमें तुलबा की भरी तादाद ने शिरकत की है। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो इस कंपटीशन को कैसे इंजॉय कर रहे हैं। इस टाइम आईटी डिपार्टमेंट के लेक्चरर आफाक साहब मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि इन्होंने इस अरेंजमेंट को कैसे मैनेज किया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपने ये सारा गेमिंग कंपटीशन का अरेंजमेंट किया, इसमें आपके लिए क्या मोटिवेट है, मतलब ये कब कैसे बच्चों को, स्टूडेंट्स के लिए क्या चीज़, मतलब कैसे बेनिफिट दे सकते हैं इनको? ये जो सोसाइटीज़ होती हैं, इन्होंने इवेंट्स मैनेज करने होते हैं। कंप्यूटर सोसाइटी, जाहिर सी बात है, ई स्पोर्ट्स गेमिंग और इसी तरह से कंप्यूटर के बारे में मैनेज कर जो गेम्स देखेगा। अब बच्चों में आपने देखा कि बहुत सारा रुझान होता है गेम्स का, ई गेम्स का, जैसे पबजी है, फ्री फायर है, चेस है, लूडो है। तो इस साल हमने, क्योंकि वी आर पाइनियर्स इन सोसाइटी, तो हमने स्टार्ट किया कि हम छोटा सा स्टार्ट लेते हैं तो गेम्स में। बच्चों के लिए इतना फ़ायदेमंद है कि वेन एवर यू विन और लूज़, तो आपको एक टीम स्पिरिट या स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है वो आपको मिलती है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आपको मिलती है बच्चों में, और बच्चों में कंपटीशन का लेवल बढ़ता है। सेकेंड थिंग इज, स्टडी के साथ साथ आपको को करिकुलर या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करना होता है। किस लिए करना होता है कि बच्चों का एक माइंडसेट ब्रॉड होता है, दूसरा बच्चे जो हैं वो एक फील गुड फैक्टर में आते हैं कि वी आर इन सम फन एनवायरनमेंट। स्टडी के साथ साथ जब तक फन एनवायरनमेंट नहीं होता है तब तक बच्चे ग्रो नहीं करते, मेंटली ग्रो नहीं करते, तो ये उनको इस चीज़ में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। सर, आप इंतज़ामिया को क्या क्या मैसेज देना चाहेंगे कि उनको इस तरह के इवेंट्स कॉलेज में करवाने चाहिए या नहीं? जी बिल्कुल करवाने चाहिए, और थैंक्स टू मैम आलिया, जब से मैडम आई हैं कॉलेज में बहुत सारी अच्छी चीज़ें हो रही हैं और उम्मीद है कि आगे भी इससे अच्छी होंगी। मैडम की अच्छी बात है कि हम कोई भी आइडिया डिस्कस करते हैं जो अच्छा होता है या जो बच्चों के लिए फ़ायदेमंद है, मैडम बगैर सोचे उसमें हमें गो हेड दे देती कि आप इसको कंटिन्यू करें, आप इसको गो हेड करें। तो मैडम आलिया का शुक्रिया है, उस्मान साहब का शुक्रिया है, अवैस संधू साहब का शुक्रिया है, सोसाइटीज़ बोर्ड के चेयरमैन हैं उस्मान साहब हैं, वो ब्रेन चाइल्ड ये सारा उस्मान साहब का है, उन्होंने ये सारा प्लान किया है कि कॉलेज में सोसाइटीज़ होनी चाहिए, इवेंट्स होने चाहिए। तो ये सबसे ज़्यादा इसमें रोल जो है वो उस्मान साहब का रोल है। फिर उसके बाद सोसाइटीज़ के फोकल पर्सन भी आ जाते हैं जो इन इस चीज़ को मोटिवेटिंग फैक्टर ले रहे हैं कि हमें ये काम करना चाहिए। थैंक यू सर। वालेकुम सलाम। सर, आपने यहाँ पे कौन कौन सी गेम्स रखी हुई हैं? वी आर अरेंजिंग फ्री फायर, रियल चेस एंड लूडो स्टार एज वेल। सर, आपको ये अरेंजमेंट करते हुए किसी तरह की कोई डिफिकल्टी तो नहीं हुई? एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट, इन द वेरी स्टार्ट, लाइक इट इज़ द फर्स्ट इवेंट फॉर द सोसाइटी, तो डेफिनेटली इट वॉज वेरी हार्ड फॉर मी टू मैनेज ऑल द टीम एंड ऑल द स्टफ ओवर हियर, बट बाय द ग्रेस ऑफ ऑल माई टी एंड विद द एफर्ट्स ऑफ माई टीम एंड द डिपार्टमेंट, वी वर एबल टू मैनेज इट। सर, यहाँ पे आप प्लेयर्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे? प्लेयर्स के लिए मैसेज यही है कि यार, लाइक दे शुड स्टडी एंड दे शुड प्ले एज वेल, लाइक ऑल टाइम नो प्ले मेक्स अ जॉनी लेजी बॉय। सो थैंक यू। यू वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप लूडो स्टार के प्लेयर हैं? खेलता तो नहीं हूँ लेकिन आज मैंने खेल लिया, कभी कभी खेल ही लेता हूँ। आपके इस गेम में क्या स्ट्रेटजीज है, मतलब आपको लगता है कि आप विन करेंगे ये फाइनल? ये अभी तक तो किस्मत साथ दे रही है, अब आगे अल्लाह जाने क्या बनता है। फाइनल ही है, चार प्लेयर्स का आपस में मैच है, तो सब ने आपस में, यानी कि टीम अप नहीं है, सिंगल सिंगल ही खेलना है सब ने, तो जो उनमें से फाइनल आएगा उसको ही प्राइज़ मिलना है।